तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप। फाइनली मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि जबरदस्त फीचर है, YT स्टूडियो में न्यू अपडेट आई हुई है। तो चलिए वो क्या फीचर है आप से वीडियो में बनकर देखिएगा। मैं वहाँ पर अपने YT स्टूडियो खोलकर आप बताऊंगी कि वो क्या क्या फीचर हमारे ऐड हुए है। जो कि क्या है कि मैं यहाँ पर थोड़ा बता दे रहा हूँ कि उसमें है कि YT स्टूडियो में फीचर आई हुई है जो कि दो फीचर अपडेट हुए है। उसमें हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे यानी कि जो ऑडियंस है यानी कि हमारे वीडियो देखता है तो वो जो कि दोस्तों लोग और किस किस चैनल पर जाकर वीडियो देखता है और कौन कौन वीडियो देखता है वहां पर वो भी हम जान सकते हैं। तो चलिए बहुत ही काफी मजेदार जो कि फीचर मिला है जो कि हमें YT स्टूडियो में। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहे और देखिए वो फीचर हम भी कैसे अपने YT स्टूडियो में ला सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप हमारा वो फीचर इनेबल करने के लिए सबसे पहले एक बार प्ले स्टोर पर जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर YT स्टूडियो के क्या करेंगे यानी कि अपडेट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर YT स्टूडियो आप सभी लिखिएगा। YT स्टूडियो लिखने के बाद देखिए यहाँ पर अपडेट नहीं बता रहे यानी कि हमारा ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम ओपन करेंगे उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना YT स्टूडियो को ओपन करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर यूट्यूब द्वारा अपने YT स्टूडियो को ओपन करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम YouTube ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर चैनल का लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा है हमारा YT स्टूडियो का। इसी YT स्टूडियो पर हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा YT स्टूडियो जैसे ही यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद मैं बता दूँ कि देखिए यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन हो गए है। तो उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर हम डैशबोर्ड लिख रहा है, देखिए यहाँ पर इसी पर हम क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे साइड में एक एनालिटिक एक ऑप्शन मिल रहा है एनालिटिक का, इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एनालिटिक पर जो कि ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ओवरव्यू लिख रहा है, रीच लिख रहा है, एंगेजमेंट और ऑडियंस लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑडियंस में डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे। ऑडियंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रोल डाउन करेंगे। स्क्रोल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पर टॉप जियोग्राफी बताएगा, उसके बाद टॉप सॉफ्ट टाइटल वास्ट टाइम जो कि इतना ही पहले था, और यहाँ पर नीचे में देखिए ये फीचर हमारे ऐड हुआ है जो कि न्यू ऐड हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे बता दे रहा हूँ। यहाँ पर नीचे साइड में करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अदर वीडियो डैट योर ऑडियंस वॉच, यानी कि बोल रहा है कि आपका जो कि हमारे चैनल का जो कि यानी कि ऑडियंस है तो यानी कि बहुत ही यानी कि और जो कि किन किन यानी कि अनदर वीडियो देखते हैं वो यहाँ पर वीडियो ही शो कर रहा है, यानी कि लास्ट 27 दिन का यहाँ पर डेट शो कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, और ये फीचर पर हम क्लिक करेंगे तो यानी कि लास्ट 27 दिन जो कि बता रहा है यानी कि इस पर चेंज नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारे अलावा हमारे वीडियो अलावा और किन किन दोस्तों का वीडियो यानी कि देखते हैं किन चैनलों का, तो वीडियो भी यहाँ पर दे बता दिए। और एक और फीचर है यहाँ पर नीचे साइड में देखिए, और यहाँ पर अदर वीडियो तो ये देख लिया, उसके बाद ये एक फीचर है, उसके बाद नीचे पर साइड में क्लिक करेंगे तो देखिए उसका चैनल का भी नेम बताया देगा कि हमारे अलावा किस किस चैनल पर हमारे ऑडियंस लोग जो कि वीडियो जाकर देखते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर बता रहा है बहुत ये लास्ट 28 दिन के यहाँ पर शो करेगा। तो यही फीचर था जो कि बहुत ही अच्छे फीचर है, आप सभी भी हमें यहाँ के अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे ऑडियंस किन किन यानी कि चैनल का वीडियो देखते हैं और कौन कौन वीडियो देखता है, इसे भी हमें मालूम चल जाएगा, तो हम उसी हिसाब से अपना वीडियो बना सकते हैं और यानी कि यूट्यूब चैनल पर रख सकते हैं। चलिए यही सिंपल सा वीडियो था, आप सभी कैसा लगा प्लीज़ जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फीचर आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगे तो यार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ में हमारे चैनल पर नए तो यार सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन होता है वो उससे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह नए नए अपडेट यानी कि देते रहेंगे, वीडियो अपलोड करूंगा तो आप समझ वो वीडियो पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को जो कि देख सकते हैं। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे चैनल पर जरूर जाइए, वहाँ पर यूट्यूब रिलेटेड, वाईफाई रिलेटेड, मोबाइल ऐप से रिलेटेड सभी प्रकार का वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से बनकर रेडी है, वहाँ से आप सभी देखकर अपने चैनल वाईफाई अथवा यूट्यूब चैनल में कर सकते हैं। चलिए, और भी कोई सलाह सुझाव तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए, वीडियो का लंबा न करते यही पेंट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।